अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनास और आज हम इस तरह की बूटीज बनाएंगे। ये साइज नंबर 6 और 7 वालों के लिए है। इसे मैंने 4 प्लाई वूलन से 10 नंबर नीडल से बुना है। बिगनर्स भी इसे आराम से बना लेंगे अगर वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 2 कलर की वूल और 10 नंबर नीडल का इस्तेमाल करेंगे। वूल जो है वो 4 प्लाई की है। आइए अब हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से एक लूप बना लेना है ऐसे, और इसे नीडल में उतार ले और धागे को खींच दे इस तरह से। उंगलियों की मदद से इस तरह से फूल को मोड़िए और फंदा बना लीजिए। 20 फंदे हम बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 20 फंदे हैं। आइए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। बुनाई हमें सीधी सीधी करनी है इस तरह से। लास्ट का जो स्टिच है इसे हमें उल्टा करके बुनना है, और जब हम दूसरे रो को शुरू करेंगे तो इसी फंदे को बिना बुने उतार लेना है। एक सिलाई और सीधी सीधी बुनेंगे। शुरू में 2 सिलाइयां सीधी सीधी बुननी है। ये 2 रो हमने बुन लिए हैं सीधे सीधे। अभी हम क्या करेंगे, कलर ऐड करेंगे। उससे पहले हमें 3 स्टिच जो हैं वो इसी रंग से बुन लेने हैं। 3 आगे और 3 हमें पीछे रखने हैं। ये 3 स्टिच हमने बुन लिए और यहाँ से हम कलर ऐड करेंगे। 2 स्टिच बुनेंगे। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन। दो स्टिच ऑरेंज और 2 ग्रे। ये वाले जो धागे को हमें इस तरह से आगे की तरफ रखना है थोड़ी 2-3 स्टिच बुनने के लिए। ये 4 स्टिच हमने इसी तरह बुन लेने हैं धागे को आगे करके। अभी 2 स्टिच फिर से हम ऑरेंज कलर के बुनेंगे और 2 बुनेंगे ग्रे रंग के। दो ऑरेंज और 2 ग्रे। ये देखिए धागा हम एक दूसरे के ऊपर से इस तरह से लेके जाते हैं, क्रॉस करते हैं धागे को। ये देखिए ऐसे। अभी लास्ट में ये देखिए हमारे पास 3 फंदे बच गए हैं। 3 फंदे हम फिर से ये देखिए क्रॉस करके धागे को इस तरह से लेके जाते हैं और 3 फंदे हम फिर से ऑरेंज रंग के बुन लेंगे। 2 सीधे सीधे और 1 को हम उल्टा करके बुनेंगे। ये देखिए ये हमारा रो जो है इस तरह से दिखेगा। अभी हमें फिर से सीधी सिलाई ही बुननी है। 2 सिलाइयां हमें इसी तरह बुननी है। 3 स्टिच जो है ऑरेंज कलर के हमने बुन ली। ये देखिए ऐसे, और धागे को पीछे की तरफ लाएंगे और यहाँ से जो है धागे को ये देखिए इस तरह से क्रॉस करना है। ऐसे क्रॉस करके पीछे आगे की तरफ ले आएंगे। 2 स्टिच ग्रे रंग के हमने बुन लिए और धागे को पीछे की तरफ लेके जाते हैं और ये वाले धागे को आगे की तरफ ले आते हैं। 2 स्टिच बुन लेते हैं ऑरेंज कलर के
धागे को पीछे किया और ये वाले धागे को आगे किया ऐसी, और ग्रे कलर के दो स्टिच हमने बुन लिए। धागे को पीछे करते हैं, ये देखें अपने आप, ये एक बार आप कर लोगे फिर ये ऐसे ही क्रॉस होता जाएगा धागा। दो ऑरेंज कलर के पीछे ले आते हैं धागे को, फिर आगे करते हैं दूसरे धागे को ग्रे रंग के बुन लेते हैं। धागे को पीछे किया और ऑरेंज कलर के दो स्टिच बुन लिए, और फिर से वही प्रोसेस दोहराते हैं। और ये देखें दो स्टिच हमने बुन लिए। यहाँ पर अगर ये स्टिच आपको ढीला लगे तो इसको इस तरह से खींच दीजिएगा, ठीक है। धागे को इस तरफ करते हैं और फिर से ऑरेंज कलर के तीन स्टिच हमने बुनने हैं। दो को सीधा और एक को उल्टा करके ऐसे, ये दो रो हमने बुन ली है डिजाइन के बाद, और हमारे पास चार रो अभी टोटल हो गए। अभी ये तीसरा रो है डिजाइन बनाने के बाद। अभी हमें क्या करना है, ऑरेंज स्टिच को ग्रे बुनेंगे और ग्रे स्टिच को ऑरेंज बुनेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले स्टिच को हमेशा हमें बिना बुने ही उतार लेना है, और ये वाले स्टिच से हमें शुरू करना है। और उसके लिए धागा हमें सेम वैसे ही क्रॉस करना है जैसे हम पहले करते थे, देखें ऐसे ये क्रॉस होगा ऊपर से, ठीक है। धागे को थोड़ा खींच लेंगे, ये दो स्टिच हम जो ऑरेंज थे उन्हें ग्रे कर लिया है, और जो ग्रे हैं उन्हें हम ऑरेंज कर देंगे। बुनेंगे सेम वैसे ही, बस धागे को चेंज कर देना है, और पीछे से धागे को हमें ऐसे ही क्रॉस ही करना है एक दूसरे के ऊपर से। एक बार शुरू में जब आप कर लोगे तो फिर आगे ये देखें अपने आप, जब आप धागा ऊपर की तरफ लाओगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये देखें ऐसे। दो रो का ही ये डिजाइन है। अभी हमने जो धागे चेंज कर लिए हैं, बस इसी तरह हमें आगे के जो रो होंगे, अगला रो जो होगा वो सेम वैसे ही बुनना है जैसे हमने डिजाइन का दूसरा रो बुना था। ये देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीन फंदों का, ये दो को हम ग्रे बुन लेंगे और एक को हम इस तरह से धागे को करके आगे की तरफ उल्टा बुन लेंगे। ये देखें जी, ये हमारा तीसरा रो इस तरह से नजर आएगा, ये डिजाइन हमारा बन चुका है नीचे। चौथे रो को देखें हमें किस तरह से बुनना है, ये देखें ये जो स्टिच है इसे हम इसी तरह बाहर निकालेंगे बिना बुने, और धागा हमारा क्योंकि इस तरफ था इसे हम आगे की तरफ पीछे की तरफ ले आएंगे, और ऐसे इसको क्रॉस करेंगे धागे को। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस हो गया है, और धागे को आगे की तरफ लेके जाएंगे, और ये वाले स्टिच ग्रे रंग के साथ बुन लेंगे, और ऑरेंज स्टिच जो है ये देखें धागे को फिर से हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, ये वाले ऑरेंज स्टिच बुन लेंगे, पीछे ले आए धागे को और आगे लेके गए धागे को, ग्रे रंग के स्टिच बुन लिए, फिर धागे को पीछे ले आते हैं, ऑरेंज धागे को आगे लेके जाते हैं और ऑरेंज स्टिच बुन लेते हैं। ये देखिए शुरू में हमने धागे को क्रॉस किया था, तो अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर से धागा जो है आता जाएगा अपने आप।
ऐसे देखिए। तो यही चार सिलाइयां हैं जो आपको बार बार दोहरानी है। यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे शुरू में किया था। ये देखिए, ये धागा है हमारे पास और इसको हमें इस तरह से बुन लेना है। ये देखें, ये सीधी तरफ से कुछ इस तरह से नजर आएंगे। इन्हीं चार रो को हमें बार बार रिपीट करना है। अभी तीन जो स्टिच हैं वो ऑरेंज कलर के आएंगे, ये दो ग्रे रंग के आएंगे, ये ऑरेंज, ये ग्रे। तो इसी तरह हम इसको रिपीट करते जाएंगे बार बार और आगे तक इसको बुनेंगे। 32 रो बुनने के बाद ये जो लाइनें हैं ये 16 बनेंगी। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अभी हमें क्या करना है, चार रो हम ग्रे कलर के बुनेंगे। ये वाले फंदे को बिना बुने ही निकालना है और धागा थोड़ा इसका टाइट कर देंगे और इसी के ऊपर से क्रॉस करते हुए ऐसे, ये देखिए, ऐसे रो को शुरू करेंगे। पूरा रो अब हमें सीधा सीधा बुन लेना है। लास्ट का स्टिच हम इस तरह उल्टा करके बुनेंगे। ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे और हमें चार रो जो है बुनने हैं। चार रो बुनने के बाद ये लाइनें जो हैं दो दिखाई देंगी, इस तरफ सीधी तरफ और दो ही उल्टी तरफ नजर आएंगी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये धागे को काट देना है। और आगे हमें ये वाले कलर के साथ ही बुनना है, सीधा सीधा ही बुनना है। थोड़ा सा चेंज है और कोई चेंज नहीं है। जब भी आप धागा बदलें तो इस तरह से कटे हुए धागे को क्रॉस करते हुए धागे के ऊपर से इस तरह घुमा दें ताकि वो निकले नहीं, ऐसे। आगे की बुनाई सारी हम सीधी सीधी ही करेंगे और 18 फंदे बुनेंगे। दो फंदे हम इसके बीच में से निकाल देंगे। ये 20 फंदे थे टोटल, तो उसमें से दो निकालने के बाद 18 बचेंगे। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये दो फंदों को हम इस तरह के हुक में निकाल देंगे या फिर आप धागे में भी इसको निकाल सकते हो। आगे की बुनाई हमें बस ऐसे ही सीधा सीधा ही बुनना है। ये जो रो हैं ये आप अपने पैर के हिसाब से मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं, उस हिसाब से भी बनाएं या फिर जो नंबर मैं आपको बता रही हूं उस हिसाब से जितने रो इसमें आएंगे उस हिसाब से भी आप बना सकते हो। ये देखें, अभी हमें ऐसे ही इसको बुनते जाना है जितनी लंबाई आगे हमें चाहिए।
तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 52 रो बनाए हैं। अभी ये लाइनें देखें, ये 27 बन गई हैं दोनों तरफ, 27 इस तरफ है और 27 इस तरफ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27। अभी हमें क्या करना है, इसको यहां से हम इसे बंद कर देंगे। स्टिच में से हम स्टिच को इस तरह से पास करेंगे। सारे फंदे हमें इसी तरह बंद कर देने हैं। अभी ये लास्ट का स्टिच देखें हमें किस तरह से करना है। ये देखें, यहाँ से हम फंदे को पास करेंगे और यहीं पर हम धागे को कट कर देते हैं और इसके बीच में से इस तरह से धागे को निकाल देंगे। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं यहाँ से, और ये दो फंदे भी हम बुनाई कर लेंगे। वो देखें हमें किस तरह से करना है। इसे अब हम निकाल देते हैं और नीडल में इस तरह से इनको डाल करके यहीं से हम धागे को लगा लेंगे। और ये जो ये वाला धागा होगा इसको आगे की तरफ रखेंगे ऐसे। अभी हमें क्या करना है, ये देखें ये जो स्टिच हैं इनके बीच में से हम स्टिच को उठाएंगे ऐसे, ये देखें यहाँ से, और ये जो धागा है इसको हम ऊपर की तरफ इस तरह क्रॉस करेंगे। यहाँ पर पीछे हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 जो है लाइनें बनाई थी, तो यहाँ से 16 स्टिच ही हम उठाएंगे। दो हमारे पास हैं तो ये 18 हो जाएंगे। ये जो चेन स्टिच हैं ये 16 ही हैं। अभी यहाँ पर देखें ये लास्ट का स्टिच है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये 18 स्टिच हैं जितने यहाँ पर थे। तो अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। सीधे सीधे बुनते जाना है। चार रो हमें बुनने हैं ग्रे रंग से और आगे के 52 रो बुनेंगे हम ऑरेंज कलर से।
फर्स्ट स्टिच को ऐसे निकाल लेंगे और सीधे सीधे बुनते जाएंगे बस। अभी हमने दो रो बुने हैं, ये देखें एक लाइन बन गई है। इसी तरह हमें ये दो लाइनें बना लेनी है, यानी चार रो। मैं चार रो कंप्लीट करती हूँ। ये देखें जी, ये दो लाइनें हमारी बन चुकी हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से धागे को कट कर लेंगे, इस वाले को, ग्रे को, और ऑरेंज को यहीं से ऐड कर लेंगे। फर्स्ट स्टिच को निकाल लेते हैं बिना बुने और सेकंड से शुरू करते हैं। अभी हमें फिर से क्या करना है, ये दोनों जो धागे हैं इनको हम आगे की तरफ रखेंगे ऐसे। आगे की तरफ दोनों को रखना है। ऐसा करने से स्टिच जो हैं वो ढीले नहीं पड़ते और खुलेगा नहीं यहाँ से, और धागे को आप काट सकते हैं बहुत ही नज़दीक से। जैसे ये धागा है तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखें ऐसे। अभी हमें ये सीधा सीधा ही बुनना है और 52 रो ऑरेंज कलर के कंप्लीट करेंगे। ये देखें जी, ये ऑरेंज कलर का हमारा दूसरा रो जो है वो कंप्लीट हो गया है। और ये देखें, ये इस तरह से नजर आएगा। और जितने रो हमने यहाँ पर डाले हैं 52, उतने ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, 52 रो जो है यहाँ के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम इसको बंद करेंगे और यहाँ तक लिख आएंगे। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया था। फर्स्ट स्टिच को निकाल लेते हैं, अगले को बुनकर पीछे के स्टिच के बीच में से इस तरह से इसको निकाल देंगे। अभी हमें यहाँ से स्टिच उठाना शुरू करना है और यहाँ तक आएंगे और यहाँ से इस तरफ को जाएंगे। यहाँ तक हम स्टिच उठाएंगे, वो देखें हमें किस तरह से करना है। ये देखें, यहीं से अब हम शुरू कर लेंगे। यहाँ पर देखें, ये जो इस तरह के स्टिच हैं, चेन स्टिच, यहीं से ऐसे स्टिच को उठाते जाएंगे। ये देखें, ये देखें, यहां से तो मैं इसे
यहाँ तक स्टिच उठा लेती हूँ। ये देखिए जी, ये पूरे स्टिच मैंने उठा लिए हैं। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 16 स्टिच उठाए हैं। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ से यहाँ तक आपको 16 ही स्टिच उठाने हैं और ये मिलाकर ये 18 हो जाएंगे। इस तरफ से भी आपको 16 स्टिच उठाने हैं और ये मिलाकर के 18 हो जाएंगे। और टोटल स्टिच देख लें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 45 स्टिच हैं ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 स्टिच हैं और इस तरफ से भी 45 स्टिच हमें बनाने हैं। तो यहाँ से भी हम स्टिच उठा लेते हैं, ऐसे ही उठाते जाना है जैसे हमने पीछे उठाए हैं। ये देखिए ऐसे, तो मैं इसे यहां तक उठा लेती हूं। अभी ये देखें, ये टोटल स्टिच जो हैं वो 90 हो गए हैं। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। सीधे सीधे बुनना है बस हमें। ये लास्ट का स्टिच है, इसे हम उल्टा करके बुनेंगे। ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया है, एक रो हम और ऐसे ही बुनेंगे। स्टिच उठाने के बाद ये दो रो हमने सीधे सीधे बुन लिए। और ये देखें, ये एक लाइन जो है वो बन गई है यहां पर। अभी हम एक रो और बुनेंगे सीधा सीधा। ये तीसरा रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी जब हम चौथा रो बुनेंगे, यानी कि जब हम सीधी तरफ से बुनाई करेंगे, ये देखिए ये सीधी साइड आ गई है। तो अभी हमें क्या करना है, 40 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे और 40 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे। बीच के जो 10 फंदे होंगे वही आगे हम बुनेंगे। अभी देखें वो किस तरह से करना है। यहाँ से शुरू करके मैं 40 फंदे बुनूंगी। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 40 फंदे हैं। अभी हमें आगे जो है 10 फंदे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
छः सात आठ नौ। अभी जब दसवां फंदा हमने बुनना है तो ये वाले फंदे को हम बीच में देकर दो का एक कर देंगे, ठीक है। वो इस तरह से करेंगे, बुलन को इस तरफ करेंगे और दो का एक कर देंगे। यहीं से फिर से हम इस तरफ को टर्न करेंगे और ये वाला फंदा बिना बुने निकालेंगे। ये एक हो गया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। जब हम दसवां फंदा बुनेंगे तब हमें यहाँ से एक फंदा जो ले लेना है और दो का एक कर देना है। वुलन को इस तरफ करेंगे और दो का एक कर देंगे ऐसे। और यहीं से मुड़ जाते हैं फिर से। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अभी यहाँ पर देखें, ये दसवां फंदा है, इस तरफ वूल को करेंगे और दो का एक कर देंगे ऐसे। अभी ये बीच के जो फंदे हैं ये देखें, यहाँ पर हमारा सेंटर है और ये यहाँ पर, ये देखें बीच में बिल्कुल आधे आधे फंदे आएंगे दोनों तरफ। तो यहीं से फिर से मुड़ेंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इन दस फंदों की बुनाई हमें किस तरह से करनी है। ये देखें, एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। ये दो फंदे हमने बुन लिए हैं, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे बुने। और जब दसवां फंदा हम बुनेंगे तो हम इस तरह से दो का एक करेंगे। अभी हम इसको इसी तरह बार बार रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर चार फंदे नहीं बच जाते और इस तरफ भी हमें चार फंदे ही बचाने हैं। तो बाकी के सारे जो फंदे हैं वो हमारे इस तरह से बंद होते, दोनों तरफ से बंद होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। अभी चार फंदे यहाँ पर हैं और चार फंदे यहाँ पर हैं और दस फंदे जो हैं वो बीच में हैं। अभी हमें यहाँ पर ये वाले फंदे भी बंद करने हैं। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। ये देखें, ये फंदे इस तरह से, चार दोनों तरफ हैं और दस बीच में हैं। अभी हमें क्या करना है, ये देखिए बीच के फंदों को भी हम कम करेंगे। ये देखिए यहां से हम दो फंदों को कम कर देंगे, दो का एक कर देंगे। यानी कि एक, पहले हम एक एक फंदा करते थे, अब दो दो फंदे इकट्ठे एक ही रो में बंद होंगे। ये देखिए, ये एक फंदा हमने कम कर दिया है और एक जो है वो यहाँ पर जैसे हम पीछे करते आ रहे थे वैसे ही करना है। तो यहीं से हम फिर से टर्न करेंगे। ऐसे ही हमें दोनों तरफ से करना है। ये देखिए, यहाँ पर तीन फंदे बचे हैं, दो को हम कम कर देंगे। अभी क्योंकि ये उल्टी साइड है इसीलिए हम इस तरह से इसको, इस तरह से दो का एक करेंगे ऐसे।
और ये वाला तो हम जैसे पीछे कर रहे थे वैसे ही हमने कर देना है ऐसे। यानी पहले हम एक एक फंदा कम कर रहे थे, अब हमने दो दो फंदे कम करने हैं। अभी ये वाली जो सिलाई है, जब दोनों तरफ से, अभी दोनों तरफ से हमने दो दो फंदे कम कर दिए हैं, अभी हम एक सिलाई जो है वो एक एक फंदा कम करते हुए बुनेंगे। एक सिलाई में, दो सिलाइयों में हम करेंगे दो फंदे, दो दो फंदे बंद करेंगे और दो सिलाइयों में एक एक करेंगे। ये देखें, ये एक सिलाई हमारी हो जाएगी और यहाँ पर अब हम ये दोनों फंदों को इस तरह से कम करेंगे। ये एक और रो बुन रहे हैं, इसमें भी अब हम एक ही फंदा कम करेंगे। अभी फिर से हमें क्या करना है, फिर से हम दो रो बुनेंगे और दोनों तरफ से दो दो फंदे कम करेंगे। एक, ये देखिए तीन फंदे हो गए, चार हो गए, पांच हो गए और ये वाले जो हैं ये हमें कम करने हैं, क्योंकि ये सीधी साइड है इसीलिए अभी हमें इसको पीछे की तरफ से बुनते हुए कम करना है। ऐसे पीछे की तरफ से बुनेंगे, और ये वाले आगे की तरफ से, अभी यहां पर भी हमें दो फंदे कम करने हैं। ये देखें, अभी यहां पर अब हमें एक ही फंदा कम करना है। अभी यहां पर देखें, एक ही फंदा कम करना है ऐसे। ये देखें, ये यहां से ऐसे मुड़ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ये वाले जो फंदे हैं इनको हम ऐसे बुनते जाएंगे और साइड से ये वाले फंदे जो हैं वो वाले, ये और ये दोनों भी बंद करते चले जाएंगे। ये देखिए, इसके साथ हम यहां से फंदा उठाएंगे। ये देखिए, यहां से ये वाला जो फंदा है ये हम इस तरह से उठाएंगे, बाकियों को हमें एक एक साइड से ही उठाना है।
अभी ये देखें, इसके साथ हम ये वाला फंदा उठा लेंगे और इसे हमें किस तरह से बंद करना है, ऐसे। अभी आगे देखें, ये वाला जो फंदा है ये देखें, इसको इस तरह से निकालेंगे और यहां से ये देखें, ये जो स्टिच है इसमें से हमें ये वाली साइड को उठाना है, ऐसे, ये वाली साइड को ऐसे, ठीक है। अभी हम सिंगल इस तरह से आधी स्टिच को उठाएंगे, और पीछे की तरफ से ऐसे बंद कर देंगे। अभी यहां पर देखिए, ये क्योंकि ये धागा जो है वो हमारा इस तरफ आ गया है, इसे हम इस तरह से मोड़ देंगे। अभी यहां पर देखें, ये जो स्टिच है इसके यहां से लेंगे, ये वाली साइड ऐसे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ऐसे इसको धोखा एक कर देंगे, फिर से इस तरफ मुड़ेंगे। इन्हीं सिलाइयों को आपको बार बार दोहराना है। लास्ट के स्टिच के साथ यहां से उठाकर स्टिच जो है मिला लेना है और उसको बंद कर देना है। ये देखिए, अभी हमारा धागा इस तरफ है, इसीलिए हम ऐसे इसको बुन लेंगे, ठीक है। और जब हम इस स्टिच को निकालेंगे ऐसे, तो धागे को इस तरफ कर देना है। ये देखें, ये इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ता चला जाएगा, ये देखें ऐसे। और इसको पूरा यहां तक हम बंद कर देंगे, तो मैं यहां तक इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा बंद होने के बाद। अभी लास्ट का स्टिच है ये वाला, यहाँ का और यहाँ का स्टिच हमें लास्ट का लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये वाले स्टिच को हमें इस तरह से पूरा स्टिच उठाना है, ऐसे पूरा स्टिच उठाने के बाद हम ये देखें बंद इसको वैसे ही करना है जैसे हमने शुरू में किया था ना। ये देखें, यहां से हम ऐसे इसको ऐसे बंद करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया आपको, जब सीधी तरफ से आप बंद करोगे तो स्टिच को ऐसे निकालना है और धागे को जो है इस तरह से बैक की तरफ लेके जाना है,
में ये लास्ट का है। यहाँ पर देखें, यहाँ से हमें ये देखें, ये दो स्टिच ऐसे हमें उठा लेने हैं। धागे को आगे की तरफ लाएंगे और इस तरह से दो का एक कर देंगे। अभी इस तरफ से देखिए, ये ऐसे हो जाएगा। अभी हमें इन सारे फंदों को बंद कर देना है। ये वाले फंदे को उतारेंगे ऐसे और इसको बुनेंगे। फंदे के बीच में से फंदा निकाल कर इस तरह से हम इसको बंद करते चले जाएंगे। और ये लास्ट का है, इसे भी हम बुनेंगे। और यहीं पर हम धागे को कट कर देंगे। ये देखें, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये इस तरह से हो जाएगा। अभी ये जो धागा है, सुई की मदद से हम यहाँ पर इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे ताकि यहाँ जो गैप है वो कंप्लीट हो जाए। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये देखें, ये यहाँ से इस ऐसे नजर आ रहा है और ये नीचे का हिस्सा है। तो ये धागे को किस तरह से अंदर की तरफ लेके जाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, यहाँ से हमें इन दो स्टिच के बीच में से सुई को ऐसे निकाल देना है और एक बार फिर से हम इस तरफ को निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए, अभी हम इसको नीचे की तरफ ऐसे कई स्टिच में से निकालते, इस तरह से निकालते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से ऊपर का हिस्सा जो है वो नजर आएगा और ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर बांधने के लिए आप कोई भी डोरी बनाकर लगा सकते हो, तो यहाँ बंधी हुई डोरी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। अभी हम इसको पहनकर देखते हैं कि पहनने के बाद ये किस तरह से नजर आएगा। यहाँ से बांधने के लिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह की एक डोरी बनाई है चेन स्टिच की मदद से। चेन स्टिच के साथ आप बना सकते हो। 3 mm क्रोशिया के साथ मैंने इसे बनाया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। ये देखें, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप ऐसे इसको बनाते जाएं, ठीक है? तो जितनी लंबी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ से बांध कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये कंप्लीट है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आ रही है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।